दोस्तों 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस विश्व तपेदिक दिवस या विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टी बी हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं ध्यातव्य है कि भारत ने 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से समाप्त करने का उद्देश्य रखा है लक्ष्य रखा है जो कि डब्ल्यू के लक्ष्य जो कि 2030 तक समाप्त करना है पूरे विश्व से तपेदिक को उससे पाँच वर्ष पूर्व है तपेदिक जो है या टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है अर्थात खांसने छींकने आदि से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है संक्रामक या संचारी रोग है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है दुनिया के जो दस सबसे घातक बीमारियां हैं जो मृत्यु कारित करती हैं उनमें से एक है उन्नीस में भारत में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम शुरू हुआ था 1976 में बीसीजी टीकाकरण में भी टीबी को भी शामिल रखा गया उन्नीस में, में डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टर्म कोर्सेज इस थेरेपी को शामिल किया गया 2025 तक भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है कुछ डिजिटल पहले भी महत्वपूर्ण भारत ने शुरू की हैं निक्षय निन्यानवे डॉट्स निक्षय औषधि चौबीस मार्च अठारह बयासी को रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के जीवाणु की बैक्टीरिया की खोज की थी 1905 में इनको इसके कारण नोबेल ही मिला था यही कारण है कि चौबीस मार्च को ही विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है डब्ल्यू का लक्ष्य हमने बताया कि 2030 तक विश्व से टीबी को पूरी तरीके से समाप्त करना है हाल ही में भारत ने निश्चय मित्र ये पहल शुरू की है जन आंदोलन में तब्दील करना इस लक्ष्य को ताकि तेज़ी से 2025 तक इस लक्ष्य तक प्राप्त इस लक्ष्य को प्राप्त किया सके 2025 तक तपेदिक को समाप्त किया जा सके इसके लिए घर घर जाकर के लोगों को टी का इलाज देना कॉल बिफोर यू डिग ये क्या है तो एक ऐप है इसको दूरसंचार संचार विभाग और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है प्रधानमंत्री ने इस ऐप को लॉन्च किया असंगठित खुदाई जो होती हैं उसके कारण प्रतिवर्ष ऑप्टिकल फाइबर फाइबर या फिर जमीन में कोई और अन्य पाइप या अन्य कोई संपत्ति जो भूमिगत होती है उसको काफ़ी नुकसान होता है इससे हजारों करोड़ प्रतिवर्ष का क्षय होता है क्षति होती है भारत में इसको रोकने का कार्य यह ऐप करेगा ध्यान रखेगा कॉल बिफोर यू डिग लुइस कैफेरेली ये यूएस अर्जेंटीना के गणितज्ञ गड़, हैं 2023 का इनको एबेल पुरस्कार दिया गया है एबेल पुरस्कार जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं नार्वे द्वारा ये दिया जाता है ओस्लो विश्वविद्यालय में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है 2003 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 2023 का पुरस्कार लुइस कैफेरेली को दिया गया है जम्मू कश्मीर में ध्यान आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक नई विधानसभा का गठन नहीं हुआ है जब से पुनर्गठन हुआ है जम्मू कश्मीर का तो अभी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है लोकसभा में एक दशमलव एक आठ लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है वहाँ पे पूछ सकता है मैं भी कि कितने की बजट की मंजूरी जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा में पारित की गई मंजूरी दी गई तो एक दशमलव एक आठ लाख करोड़ के एंड्रोथ या आई एंड्रोथ क्या है भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स कोलकाता द्वारा बनाई जा रही आठ एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट शेलो वाटर क्राफ्ट क्या होते हैं ज़मीन में बहुत धीरे धीरे से अर्थात बिल्कुल आवाज़ न करते हुए कह सकते हैं या एकदम मंद आवाज़ करते हुए चलते हैं और अपना काम करते हैं तो इस परियोजना का जिसमें आठ एंटी सबरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट बनाई जानी है इसका ये दूसरा क्राफ्ट है आई एन एंड्रोथ पहला जो एयरक्राफ्ट था आई एन था एंड्रोथ जो नाम दिया गया है लक्षद्वीप के सबसे बड़े और सबसे लंबे द्वीप एंड एंड्रोथ द्वीप से ये नाम लिया गया है ग्रीन शिपिंग क्या है अक्सर चर्चा में रहती है तो जहाज़ द्वारा परिवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल संसाधनों का या ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना ग्रीन शिपिंग कहलाता है भारत ने 2030 तक भारत को हरित जहाज निर्माण के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जी टी टी पी ये प्रोग्राम आरंभ किया है सिरेमिक रडोम यह क्या है तो दुनिया भर में मिसाइलों को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक है भारत भी इस तकनीक का इस्तेमाल करता है इसका नाम है सिरेमिक रेडोम देवस्थल उत्तराखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एशिया के सबसे बड़े ध्यान रखेगा विश्व के नहीं एशिया के सबसे बड़े चार मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया इसका विकास आयरभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज जो कि नैनीताल कुमायु में अर्थात उत्तराखंड में स्थित है इसके द्वारा इसका विकास किया गया है यह भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप है ध्यान रखिएगा देवस्थल उत्तराखंड में तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद